नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वेस्ट केक बोर्ड का यूज करके वॉल हैंगिंग बना रही हूँ, जिसमें मैंने होम स्वीट होम लिखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। सबसे पहले मैं केक बोर्ड लेकर इसमें व्हाइट एक्रिलिक कलर को बेस कोट की तरह पेंट करके इसे ड्राई होने दूंगी। अब मैं इसमें स्काई ब्लू कलर पेंट करके इसे ड्राई होने दूंगी। अब मैं इसमें अल्फाबेट स्टेंसिल का यूज करते हुए होम स्वीट लिखूंगी। मैं इसके एंड में फिर से होम लिखने की वजह आगे एक मिनी होम बनाकर यहाँ चिपकाऊंगी। हमें यहाँ ब्रश को डैब डैब मोशन में चलाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मैं एक अल्फाबेट को थोड़ा ड्राई होने के बाद ही अगला अल्फाबेट लिखूंगी। स्टेंसिल को हर यूज के बाद हमें कपड़े से पोंछते जाना है, जिससे इसमें लगा पेंट बोर्ड में ना लगे। लास्ट में हमें स्टेंसिल को सोप एंड वाटर से धो के ही रखना है। अब मैं ब्लैक कलर से इसकी फिनिशिंग करूंगी। अब मैं दो दो स्ट्रॉस को बोर्ड की बॉर्डर्स में चिपकाकर इसे ड्राई होने दूंगी।
अब मैं मिनी हाउस बनाने के लिए 7.5x8.5 सेंटीमीटर का एक कार्डबोर्ड लेकर इसकी बॉर्डर्स को पेपर टेप से कवर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अब मैं इसमें व्हाइट कलर का बेस कोट पेंट करके इसे ड्राई होने दूंगी। अब मैं इसमें क्रोम येलो कलर पेंट करके इसे ड्राई होने दूंगी। अब मैं 3 आइसक्रीम स्टिक्स लेकर एक को थोड़ा बड़ी, दूसरी को थोड़ा छोटी एंड तीसरी को सबसे छोटी कट करूंगी। अब मैं इनमें ब्रिलियंट पर्पल कलर पेंट करके इन्हें ड्राई होने दूंगी। अब मैं हाउस का डोर एंड विंडोज बनाने के लिए सिल्वर ग्लिटर फोम शीट के छोटे छोटे टुकड़े कट करूंगी। अब मैं आइसक्रीम स्टिक्स एंड फोम शीट्स को कार्डबोर्ड में स्टिक करके इन्हें ड्राई होने दूंगी। इस तरह से हमारा मिनी हाउस बन गया है। अब मैं एक सांची लस्सी का गिलास लेकर सबसे पहले इसका रैपर निकालूंगी एंड फिर इसे ग्रीन ऊन से कवर कर दूंगी। अब मैं मिनी हाउस एंड ग्लास को बोर्ड में स्टिक करके इन्हें ड्राई होने दूंगी। मैं इस ग्लास में फ्लावर्स लगाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अब मैं पिंक एंड येलो ऊन के टेजल्स बनाऊंगी, जिसमें से 3 पिंक एंड 2 येलो टेजल बनाऊंगी।
अब मैं हैंगिंग के लिए येलो एंड पिंक ऊन को बोर्ड के पीछे अटैच करूंगी। अब मैं बोर्ड के पीछे ही हेजल्स को स्टिक करूंगी एंड इन्हें ड्राई होने दूंगी एंड फिर सभी को पेपर टेप से सिक्योर कर दूंगी। इस तरह से हमारी हैंगिंग बन गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।